हेलो एवरीवन, दिस इज नताशा स्वामी। अब आगे की क्लास हम मूव करेंगे। हम टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं आज तक 150। आज हम स्टार्ट करेंगे 151 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कैन, दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस व्हिच मीन अंडरस्टैंड बाय फ्यू, मिस्टीरियस और सीक्रेट, हिडन मतलब रहस्य। कोई भी चीज जो छुपी हुई है, मिस्ट्री है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, कुछ ही लोगों के द्वारा समझी गई है, कुछ ही लोगों के, नाक के बराबर लोगों के बराबर छुपा हुआ है, रहस्य है, उसे बोलते हैं आर्कैन। याद करने का तरीका, आप इसे आर्कैन मत पढ़ो, आप इसे पढ़े अरे कान ला तेरे। अगर हम किसी को कोई चीज कान में बोलते हैं, इसका मतलब, किसी के कान में बोलने का मतलब सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके कान में क्या बोला, अरे कान ला तेरे, कान में बात बताती हूँ, ऐसे करके आपको पता चला मैंने क्या बोला, नहीं ना। तो अगर हम किसी के कान में कुछ बोले तो वो रहस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पियोनाज, This word is used as a noun in a sentence which means the practice of spying or of using spies typically by governments to obtain political and military information, मतलब spying, जासूसी। कहने का मतलब, espionage का मतलब होता है जासूसी करना। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, espionage, ऐसे पिजन पर हमें नाज है, मतलब आपको पता होगा पहले हम लोग क्या करते थे, पहले भाई टेलीफोन वगैरह थे नहीं, तो हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर के गले में चिट्ठी बांध कर भेजते थे और बोलते थे कबूतर जा 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 और मेरा संदेश सामने वाले को दे आ आ आ। तो ऐसे पिजन पर हमें नाज है जिसने हमारे देश की रक्षा की जासूसी करने में, एस्पियोनाज, ऐसे पिजन पर, पियोन मतलब पिजन, नाज में साउंड आ रहा है, नाज है, एस्पियोनाज, ऐसे पिजन पे हमें नाज है जिसने हमारे देश की रक्षा करने के लिए क्या की, जासूसी की। स्पाइंग का मतलब ही जासूसी होता है, इसका सिनोनिम क्या लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्ली, इसका मतलब होता है फ्रेज, प्रशंसा, हैप्पीनेस, प्लेजर, एक्साइटमेंट, इसको बोलते हैं ग्ली। याद करने का तरीका, ग्ली में साउंड आता है गले का, कौन कहता है इसे ग्ली पढ़ो, मत पढ़ो, इसे पढ़ो गले। जब हम किसी के गले रखते हैं इसका मतलब उससे बहुत खुश हैं, कभी दुश्मन के गले थोड़ी लगते हैं, हम उससे गले लगते हैं जिससे हम बहुत खुश होते हैं, यार आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, चल यार आज तो गले लगते हैं, इस तरीके से। तो गले तब लगते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगला है बैफल। बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मतलब चकरा देना, कन्फ्यूज कर देना, विवाइल्डर, परप्लेक्स, कन्फ्यूज, इस सब के सिनोनिम कहलाएंगे। याद करने का तरीका, बैफल, बैफल में साउंड होने का साउंड क्या रहा है, बैफल, वो फेल कैसे हो गया। जैसे किसी के पापा ने अपने बच्चे को एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई कोचिंग में भेजा, अब भाई वो पढ़ाई कर रहा था वहां पे, अब बच्चे जरूर थोड़ी पढ़ाई करते हो, बहुत सारी बातें होती है, थिएटर चले जाते हैं, मॉल्स चले जाते हैं, वर्कशॉप वगैरह करने लग जाते हैं, अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर इन चीजों में आ गया और वो फेल हो गया। अब पापा कंफ्यूज हो गए, पापा को चकरा गए, पापा कंफ्यूज हो गए कि वो लाडला तेरा फेल कैसे हो गया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, बैफल वो फेल, बैफल वो फेल कैसे हो गया, उसके पास काम क्या है, खाना है, सोना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो फेल कैसे हुआ, क्योंकि उसके मार्क्स आए हैं 15 out of 100। पापा बोल रहे हैं यहाँ रहता तो भी इतने मार्क्स लिया था, लेकिन वो फेल कैसे हुआ, मैं तो भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तेरा लाडला फेल कैसे हो गया, करते क्या है मास्टर जी वहां बैठे बैठे, काम क्या उनको वहां पे जो महाराज जी फेल हो गए हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, मतलब कि एक व्यक्ति जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत केयर है, सोच समझ के जज करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रूडेंट, इन शॉर्ट विवेकी। याद करने का तरीका, प्रूडेंट साउंड्स लाइक स्टूडेंट, प्रूडेंट साउंड्स लाइक स्टूडेंट, और स्टूडेंट बहुत विवेकी होता है, वो सोच समझ के अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेता है। जैसे आपने भाई ये कोर्स लिया क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारा 15,000 का वर्ड हमें कंप्लीट करना है, जिसके 2,000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्रूडेंट साउंड्स लाइक स्टूडेंट, और स्टूडेंट अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत विवेकी होता है, उसे पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्राय। स्प्राय का मतलब है फुर्तीला, एक्टिव, स्पेशली ऑफ एन ओल्ड पर्सन, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति फुर्तीला होता है तब हम उसे स्प्राय का वर्ड यूज करते हैं। याद करने का तरीका, स्प्राय में साउंड आता है स्प्रे का, जैसे मान लेते हैं डियर कहीं कोई पर्सन है, उसने कोई पार्टी दी है, उस पार्टी में कोई उसकी स्पेशल फ्रेंड, कोई स्पेशल फ्रेंड वहां पे आई है, तो सामने से एक पर्सन ने बोला है कोई देख तो तेरी स्पेशल फ्रेंड आ गई, उस फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक पर्सन फटाफट से भागते जाता है, फटाफट भागता है
और अपने कमरे में जो डीओ या परफ्यूम की बोतल होती है उसे पूरी बॉडी पर स्प्रे कर लेता है। ये करते हुए मम्मा देख लेती है, मम्मी कहती है कुछ तो गड़बड़ है। पीछे से पिताश्री की आवाज आती है, कुछ नहीं पूरी ही गड़बड़ है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो स्प्रे करने में आप जो फुर्तीलापन दिखाते हो उससे बोलते हैं स्प्राय। इतना फुर्तीलापन पढ़ाई में दिखाओगे एग्जाम क्रैक कर जाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कैवलगेट। कैवलगेट का मतलब होता है अ फॉर्मल प्रोसेशन ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन हॉर्स बैक और राइडिंग इन व्हीकल। मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों का इकट्ठा आना, जैसे बारात आती है ना उस तरीके से, या घुड़सवार होकर बहुत सारे लोग इकट्ठे आए जा रहे हैं कि एक ही जगह पर आए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे, जैसे बारात आती है, इसको बोलते हैं कैवलगेट। याद करने का तरीका, कैवलगेट में साउंड आता है केवल का, केवल, केवल का मतलब ओनली वाला, केवल। कैड नाम का एक पर्सन है जिसकी शादी होने वाली है, हमने बोला कैड नाम के पर्सन की शादी में केवल और केवल बारात आएगी और बारात जो आने वाली है वो घुड़सवार पर सवार होके आएगी। तो कैवलकेड, केवल कैड की शादी में बारात आएगी और घुड़सवार पर सवार होके आएगी। इस तरीके से दोनों ही वर्ड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजिली। कोई भी चीज जो बहुत हार्ड है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है उसे बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल साउंड्स लाइक लिटल, ब्रिटल साउंड्स लाइक लिटल, और लिटल का मतलब होता है छोटा छोटा। और कोई भी चीज जो छोटी छोटी होती है बहुत नाजुक होती है, छोटी चीजों को जल्दी तोड़ा जा सकता है। बोलते ना छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता, उनके जो दिल है कांच के होते हैं, उन्हें फटाफट से तोड़ दिया जा सकता है, उन्हें कोई भी बात बुरी लग जाती वही चीज है। ब्रिटल साउंड्स लाइक लिटल, और लिटल छोटी छोटी चीजों को नाजुक तरीके से तोड़ा जा सकता है, आसानी से तोड़ सकते हैं, छोटी चीजें नाजुक होती हैं। अगला है हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला, एम्पिटी, जैसे हैविंग अ होल और एम्पिटी स्पेस इनसाइड। मतलब एम्पिटी कहने का मतलब, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दिस, मैं आपको इससे एग्जाम्पल करके बताती हूँ। जैसे ये है बेटा आपका, ये इसको बोलते हैं हॉलो। ये आपका बांस देखा है ना आपने, बांस जो अंदर से पूरा खाली होता है, जैसे देखो ये सर्किल है, ये अंदर से पूरा की पूरा खाली है, इसको बोलेंगे हॉलो। अब हॉलो में साउंड आता है होल का, हॉलो में साउंड आता है होल का, जैसे कि होल इससे समझ लो, ये बड़ा सा होल है भाई, आपको नजर आ रहा होगा बड़ा सा होल है। अब डियर देखो इस होल में ये जगह खाली है ना, इसका मतलब ये भी तो एम्प्टी है, खाली तो है, और होल में पूरी जगह क्या होती है, खाली होती है, खोखली होती है वो अंदर से। जैसे बांस देखा है ना, बांस खोखला होता है, पाइप देख लो, बांस नहीं देखा हो तो पाइप देख लो, जैसे सिंक में पाइप होता है, कूलर में पानी लगाने वाला पाइप होता है, वो भी तो खोला होता है, होल होता है, होल होता है ना, होल हमेशा खोखला होता है। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस का मतलब है डाय, स्पेशली इन अ वायलेंट और सडन वे, डिके डाय, अचानक कोई पर्सन अचानक मर जाए, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, मर जाए, उसको क्या बोलते हैं पेरिस। याद करने के दो तरीके हैं, पेरिस में अचानक सब लोग मर गए, पेरिस में अचानक सभी लोगों को मारा गया, एक तो ये तरीका। अगर इससे याद ना हो तो पेरिस में साउंड आता है पैर का, पैर से किसी को कुचल कर मार देना, पेरिस, पैर से किसी को कुचल कर मार देना, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो पेरिस से याद कर लो, पेरिस में अचानक सभी लोगों को मार दिया गया, ठीक है, या फिर पेरिस को पैर से याद कर लो कि भाई आपका जो पैर है उससे कुचल कर किसी को मार दिया गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, किलिंग स्पेशली ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल, किसी भी लोगों के दल को या जानवरों के दल को मार देना, पूरे ग्रुप को, मतलब तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, इसे बोलते हैं एक्सटर्मिनेशन। याद करने का तरीका, इसको मैं आपको तोड़ के बताऊंगी, एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन। अब देखो याद कैसे करोगे, कलर चेंज कर लिया, तेरी एक्स ने तेरे नेशन में आकर तेरे नेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, एक्सटर्मिनेशन, तेरी एक्स ने तेरे नेशन में आके तेरे नेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, भाई कहीं का नहीं छोड़ा, इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है पजल। पजल का मतलब है उलझन, कॉज समबडी टू फील कंफ्यूज बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब कोई चीज उन्हें समझ नहीं आ रही है, उलझन है वो, इतना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, इसको बोलते हैं पजल, मतलब कि उलझन। याद करने का तरीका, पजल, आपको याद है डियर आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, भाई हमने तो बहुत खेला ये गेम, और काफी डांट भी खाई है भाई माता श्री की, क्योंकि जब ये गेम खेलते थे तो मग्न हो जाते थे गेम खेलने में, और मम्मी डांटती थी
दिन भर गेम 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 गेम, पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। गर्मियों की छुट्टी क्या आती है, बच्चे तो भाई सारे बिगड़ जाते हैं। ये एक पजल नाम का गेम होता था, छोटे छोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, इनको मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग, एक सीनरी निकल के आती है कि नहीं। इस कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों को कनेक्ट करने में बहुत कंफ्यूजन होता था, समझ नहीं आता था कि कौन सा पीस मैं कहाँ पे कनेक्ट करूं। तो पजल पजल गेम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इस तरीके से आप ये वर्ड याद करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल। हल का मतलब होता है लार्ज और हैवी, कोई चीज बहुत बड़ी हो और भारी हो उसको बोलते हैं हल। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। हल्क में साउंड आता है हल्का। आपने देखा है जो हमारे फार्मर्स होते हैं, मतलब किसान भाई लोग, वो एक हल्का यूज करते हैं कृषि करने के लिए, जोतने के लिए। मेरे को बनाना नहीं आता लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ कुछ ऐसा होता है वो समथिंग, कुछ बड़ा फावड़ा टाइप होता है और ऐसे ऐसे करके जोता जाता है, लकड़ी का बड़ा सा होता है वो। डियर देखो हल जो कि बड़ा होता है और भारी भी तो होता है, इस तरीके से आप याद करेंगे। एक और तरीका है, आपने हॉलीवुड की अवर्जन मूवी देखी हो तो बहुत बहुत लोगों ने देखी, बोलते उसमें एक हल्क नाम का लड़का आता है जिसकी बॉडी, उसका जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा पत्थर टाइप होता है ना, उसको भी तो हल्क बोलते हैं। उससे याद कर लो भाई, अवर्जन से याद कर लो। देखो भाई मूवी से तो ट्रिक बन रही है, वेरी गुड, मूवी भाई काम तो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकार्नेशन। इनकार्नेशन का मतलब है पृथ्वी पर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अवतार लेना, मतलब पर्टिकुलर फॉर्म में आना। अ पर्सन हु एम्बॉडीज इन द फ्लैश एंड डाइनिटी स्प्रिट और क्वालिटी, इसको बोलते हैं अवतार या बोल सकते हैं अवतरण। याद करने का तरीका इनकार्नेशन। इनकार्नेशन में साउंड आता है इनकार नहीं कर सकते हम लोग कि इस नेशन में हर इंसान किसी ना किसी रूप में अवतार लेता है, अवतरण लेता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पृथ्वी पर हर इंसान, इस नेशन में हर इंसान किसी ना किसी रूप में अवतार लेता है। जैसे मैंने अवतार लिया ह्यूमन बीइंग के रूप में, आपने भी तो अवतार लिया है इस तरीके से। या फिर आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कई बार हम कहीं, जैसे मान लेते हैं फोन है, अब कई बार हम फोन को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो हमारी बातें सुनता हो, जैसे उसके अंदर हमारी जान बसी हो। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ कार का। कई बार कई लोग कार, मतलब रास्ते पे चलते हैं, उनकी एल्बो कार से टकरा जाती है, वो बोलते हैं अरे सॉरी सॉरी। कार कभी पलट के जवाब देती है अरे भाई इट्स ऑल राइट, चलता है भाई, नहीं ना। लेकिन हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उसमें जान है, वो एक आदमी हो, है ना। तो देखो इनका मतलब मैं, कार का मतलब गाड़ी, और नेशन का मतलब इस नेशन में। डियर इस नेशन में जितनी भी कार है तो लोगों ने कार के रूप में क्या लिया है, जन्म लिया है, अवतार लिया है। नेशन में कार के रूप में लोगों ने अवतार लिया है। आज के बाद जिस भी कार से टकरा जाओ सॉरी बोल के जरूर आना, क्या पता कौन हो वो। क्लियर, जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही हूँ, सिर्फ याद कराने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, साहस, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर, मतलब कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। दैट शोज अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड इज कंसीडर्ड रूड। जैसे कि कोई पर्सन जो कि कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा है जिससे सामने वाले की इंसल्ट हो रही है, सामने वाले की रेस्पेक्ट को ही भाई रेस्पेक्ट ही नहीं दी जा रही, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ज्यादा बोल्डनेस जिससे सामने वाले को रूड लग रहा है उसका बिहेवियर, उसको बोला नहीं यार अच्छा नहीं है ये कॉन्फिडेंस, अच्छा नहीं, इसको बोलते हैं टेमेरिटी। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। टेमेरिटी में साउंड आता है तुम्हारी मेरिट, मेरिट बेटा मेरिट। जब किसी पर्सन की मेरिट आ जाती है तो सामने वाले को जानबूझ के कॉल करके क्या बोलता है, और तुम्हारी कितनी परसेंट बनी, अच्छा तुम्हारी सिर्फ 79% बनी, ओके ओके ओके, या मैंने चेक नहीं किया, मैं अपना चेक करके बताता हूँ या बताती हूँ। और बेटा उस पर्सन की मेरिट आई होती है 99%, 98%। तो कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं जो मेरिट आने पर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट नजर आती है, है ना। तो तुम्हारी मेरिट आने पर तुम सबको कॉल कर 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 पूछते हो, जब मेरिट नहीं आती तो कॉल करना बंद कर देते हो, कई बार स्विच ऑफ भी कर देते हो, है कि नहीं। तो तुम्हारी मेरिट आने पर आप कॉन्फिडेंट तो होंगे, भाई क्या बात है भाई आपकी मेरिट आई है, लेकिन क्या होगा तुम्हारी मेरिट आने पर, भाई आप सामने तो कॉन्फिडेंट है लेकिन सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट और रूड बिहेवियर लग रहा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2018 मेंस लेवल में पूछा गया था, जो मेरी लिस्ट में 165 का था। जिसने मेरी लिस्ट पढ़ी होती वो कभी भी नहीं रुकता भाई, मेंस हो चाहे आपका प्री हो। मैंने आपको पहले ही बोला मैं 15,000 वर्ड बहुत ही छाट के बता रही हूँ भाई, आप एक बार जब मेरी 15,000 की पूरी सीरीज पढ़ लोगे आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी वर्ड्स मीनिंग याद हो जाएंगी आपको
टिप्स पर, आपको लगा मैम ये भी आता है ये भी आता है, और आप खुद ही देख सकते हैं ये मेरी लिस्ट में 165 है और ये ऑलरेडी 2018 मेंस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनरी। पेनरी का मतलब होता है दरिद्रता, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, बहुत गरीब, पॉवर्टी, दरिद्रता, इसको बोलते हैं पेनरी। याद करने का तरीका, देखो डियर मुझे एक बात बताओ, पेन का प्राइस कितना होगा मिनिमम? एक बार बीच में 1.5 रुपए के पेन चले थे, अभी शायद 2.5 रुपए के होंगे यूज एंड थ्रू वाले पेन, मतलब 2 रुपए, चलो 3 रुपए ले लेते हैं इन शॉर्ट। और देखो जनरली हम कई बार लड़कियों को या फिर गांव में भी बोलते एरी कहाँ जा रही है तू, तो देखो भाई पेनरी एरी तेरे पास पेन खरीदने तक के भी पैसे नहीं है, पेनरी एरी तेरे पास पेन खरीदने तक के भी पैसे नहीं है, इसका मतलब वो पर्सन बहुत दरिद्र है, बहुत पुअर है, भाई पेन नहीं खरीद सकता, 3 रुपए के पेन नहीं खरीद सकता, तो दरिद्र हुआ कि नहीं हुआ इस तरीके से। नेक्स्ट है अबेचर। अबेचर का मतलब है उकसाने वाला, अ पर्सन हु एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, एक व्यक्ति जो एनकरेज करता है, उत्साहता है, असिस्ट करता है किसी काम को करने के लिए, किसी व्यक्ति को, लेकिन गलत काम को करने के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए, इसको बोलते हैं अबेटर। याद करने का तरीका, अबेटर में साउंड आता है अबेट का, एक मिनट मैं एक बार इसको दोबारा देखती हूँ। हाँ अब देखो अबेटर, अब देख रहे पेन भी आई थिंक गलत चेंज हो गया, हाइलाइटर आ गया। देखो भाई अबेटर पे साउंड आता है आ, आ का मतलब एक, और बैट, बैट का मतलब शर्त, जो व्यक्ति शर्त लगाने के लिए आपको उकसाए वो बेटा भाई क्राइम करने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि बैट अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती, बैट कब लगाते हैं गलत चीजों में, लगी बैट ऐसे, तो अबैट एक व्यक्ति जो जानबूझकर आपको उकसा रहा है बैट लगाने के लिए, चल लगा बैट लगाते हैं, इसका मतलब आपको उकसाया जा रहा है गलत काम करने के लिए, एनकरेज किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है गलत काम के लिए, इसके लिए इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब है नॉट वॉन्टिंग टू वर्क, एक व्यक्ति जो काम करना नहीं चाहता, आलसी है, सुस्त है, इसको बोलते हैं इंडोलेंट। याद करने का तरीका, आपको आपने एक नाम सुना होगा आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स। देखो डियर हम लोग बचपन में, हमारा जैसे जो हमारी जनरेशन थी उनका बचपन बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग बाहर खेलते थे, आजकल के बच्चे अंदर ही अंदर खेलते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स में, फोन्स में, व्हाट्सएप चैटिंग पैदा होती, सबसे पहले उनको लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, बच्चे से फोन खींच लो रोने लग जाते हैं, और जैसे फोन दे तो चुप हो जाते है कि नहीं। तो आजकल बच्चे इंडोर गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम खेल खेल कर आलसी हो गए भाई, है कि नहीं, इस तरीके से याद करेंगे। या फिर एक और तरीका है इन डोल, इनका मतलब अंदर, डोल का मतलब डोलना, एक व्यक्ति जो अंदर ही अंदर डोलता रहता है, बाहर जाता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी होता है, मम्मा कहती है दिन भर अंदर डोलता रहता है, ये नहीं अपने साथ वाले बच्चों की तरह बाहर खेला कर, देख उस सामने वाला क्रिकेट खेला और तू देख ना तू यहाँ अंदर लेटा हुआ है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है वैनिश। वैनिश का मतलब है टू सेंड समबडी अवे समथिंग आउट ऑफ द कंट्री, यूजुअली अ पनिशमेंट, पनिशमेंट एक दंड स्वरूप किसी पर्सन को देश निकाला देना, देश से बाहर कर देना, इसे बोलते हैं वैनिश। और वैनिश को आप याद कर सकते हैं वैनिश से, वैनिश एक डिटर्जेंट पाउडर आता है, और डिटर्जेंट पाउडर कोई सा भी हो वो दाग हटाने का काम करता है, दाग को पूरी तरीके से निकाल देता है, दाग धब्बों को पूरी तरीके से निकाल देता है, तो वैनिश को वैनिश डिटर्जेंट से याद करें, वैनिश जो डिटर्जेंट है वो दाग धब्बों को निकाल देता है, जड़ से खत्म कर देता है, देश से निकाल देता है, इस तरीके से ये वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब है पूर्व स्थिति में लौटना, टू रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट और एक्टिविटी, पुरानी स्थिति में, पहली स्थिति में लौट जाना रिवर्ट कहलाता है। रिवर्ट, रिवर्ट में साउंड आता है रिवर्स का, रिवर्स का मतलब क्या, दोबारा लौटना, रिवर्स लेना, पीछे लेना, इसको तो बोलते हैं रिवर्ट, रिवर्स, रिवर्ट, रिवर्स, तो रिवर्स लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब है वेस्टिंग मनी और टाइम एक्सेट्रा और यूजिंग इट इन अ केयरलेस वे, आप अपने टाइम को, अपने पैसे को लापरवाह तरीके से वेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, क्या कहलाता है, प्रोफ्लीगेट कहलाता है। याद करने का तरीका, देखो डियर प्रोफ्लीगेट में साउंड आता है तो प्रॉफिट का, प्रॉफिट और गेट का, जब प्रॉफिट के दरवाजे खुल जाते हैं, जब किसी पर्सन की जिंदगी में बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो इंसान अपना बहुत ज्यादा अपव्यय करता है, पैसे का, टाइम का भी, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं वो पैसे कमाने के रास्ते देखता है, और जब प्रॉफिट के दरवाजे खुल जाते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तो वो केयरलेस तरीके से हर सामान को खरीद लेता है, अपव्यय बन जाता है,
वेस्ट करता है मनी और टाइम दोनों को ही। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये सिर्फ लिंक करने का तरीका है, पर्टिकुलर मैं किसी पर भी पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाशियस। विवाशियस का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। यूजुअली एक वुमेन, जब एक वुमेन पूरे जोश में होती है तब हम उसे बोलते हैं विवाशियस, विवाशियस गर्ल। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, विवाशियस। देखो ये साउंड आ रहा है विवा का। याद करने का तरीका, जब किसी भी लड़की या लड़के को कोई भी फोन दिया जाता है वो एकदम एनर्जी में भर जाता है, ये मेरा फोन आ गया, क्या बात है, इस तरीके से। तो भाई आपके पास फोन आने पर आप खुश, हम खुश हो गए, भाई हर कोई खुश होएगा, ये मेरे पास फोन आ गया, तो आपके पास क्या आ गया है, फोन आ गया है भाई। और फोन आने पर बच्चा भी खुश हो जाता है, इस तरीके से याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब भी होता है सुस्त। अभी मैंने आपको एक वर्ड करवाया था इंडोलेंट, ये वही है, इसका सिनोनिम कहलाएगा। लेथार्जी का मतलब है एक व्यक्ति जो बहुत ही सुस्त है, एक व्यक्ति जो लेजी है। द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड एंड नॉट हैविंग एनी एनर्जी, अरे मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, इसको बोलते हैं लेथार्जी। याद करने का तरीका, लेथार्जी में साउंड आता है लेथा, लेथा, लेथा साउंड्स लाइक लेटा, लेथार्जी। ए जी, आप दिन भर लेटे रहते हो, लेटे लेटे बहुत सुस्त हो गए हो। बेटा अभी लॉकडाउन चला था कुछ टाइम पहले, थोड़ा टाइम पहले ही हो गया था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, हर कोई लेटे रहते थे, दिन भर मूवी देख लो, है कि नहीं, काम वाम था नहीं, लॉकडाउन था, सब घर में थे, दिन भर मूवी चलती रहती थी, तो लोग क्या हो गए, लेजी हो गए। लेथार्जी, ए जी, लेटे रहते हो, बड़े सुस्त हो गए हो, इस तरीके से आपको ये वर्ड याद करना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुस्त या लेथार्जी। लेटा जो रहता है, लेटा भाई, ऐसे मम्मा नहीं बोलती, दिन भर यहाँ कमरे में लेटा रहता है, ये नहीं अपने साथ वाले बच्चों की तरह बाहर जाके क्रिकेट खेले, दिन भर यहाँ नलायकों की तरह लेटा रहता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो भाई। मम्मा याद आ गई होंगी आपको। अगला है एस्टोंड। एस्टोंड का मतलब सरप्राइज, एकदम चकित हो जाना, बहुत चकित हो गए, इसको बोलते हैं एस्टोंड। याद करने का तरीका, ऐसी तोंद देखकर एक पर्सन आश्चर्यचकित हो गया, अरे भाई तूने इतनी तोंद भराई, तू भराई कैसे, मतलब एक व्यक्ति है उसकी बेटा तौंद, अरे बाप रे। अब इस तौंद को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है भाई तौंद तो भाई कई देखी है, लेकिन ऐसी इतनी लंबी तौंद किसकी देखी भाई, तूने भराई तो भराई कैसे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है अनेथमा। अनेथमा का मतलब होता है अभिशाप। अ थिंग और एन आइडिया विच यू हेट बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ वॉट यू बिलीव। एक ऐसा आइडिया जिसे आप हेट करते हैं, एक ऐसी थिंग जिसे आप हेट करते हैं, नफरत करते हैं, बिकॉज क्योंकि आप जैसा सोचते थे, जैसा बिलीव करते थे, उसके वो अपोजिट है, मतलब अभिशाप है, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं अनेथमा। याद करने का तरीका, अनेथमा को याद करें अस्थमा। अनेथमा साउंड लाइक अस्थमा। अस्थमा जिसे हिंदी में बोलते हैं दमे की बीमारी, और बीमारी चाहे कोई सी ही हो, लाइफ में किसी की बीमारी हो जाए वो अभिशाप ही बन जाती है। मानते कि नहीं मानते, अनेथमा साउंड लाइक अस्थमा, और बीमारी एक अभिशाप ही होती है किसी भी पर्सन और किसी भी जानवर के लिए। बीमारी किसी को होनी ही नहीं चाहिए। आपको 175 वर्ड्स भाई टोटल याद हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट शिफ्ट जो होगी हमारी 176 से 200। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।